हर किसी के सीने में एक न एक राज छुपा होता है जो वो कभी किसी को नहीं बता सकता, चाहे शर्मिंदगी की वजह से या कुछ सीक्रेटली खुश होने की वजह से। लेकिन आजकल इंटरनेट पर गुमनामी के मुखौटे के पीछे छुपना पॉसिबल है। हम अजनबियों से ऑनलाइन अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं जो कभी कोई जान नहीं पाएगा। तो आइए जानते हैं शेमफुल कन्फेशन से लेकर अजीब अट्रैक्शंस तक के कुछ ऐसे राज जो इंटरनेट यूजर्स अपने साथ कब्र तक लेकर जाएंगे। ओह माँ, सोशल मीडिया साइट रेडिट पर आपको गुमनाम यूजर्स द्वारा किए गए अजीब कन्फेशंस की बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। यूजर्स अपने कन्फेशंस को आस्क रेडिट थ्रेड्स में शेयर करते हैं, जिसका टाइटल है आप किस राज को अपने साथ कब्र में ले जा रहे हैं। आमतौर पर सिंगल यूज थ्रो अवे अकाउंट्स के जरिए इन पर पोस्टिंग होती है और ये कहानियां शानदार होती हैं। बिना कानून तोड़े बंद दरवाजों के पीछे आप जो भी चाहे अजीब चीजें करते हैं वो मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब आप इन किस्सों को ऑनलाइन पोस्ट करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। जैसे कि रेड यूजर चिलकाइल का ये कन्फेशन। कॉलेज के अपने नए साल के दौरान एक शाम चिलकाइल और उनकी सौतेली माँ ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। थोड़ी इमोशनल बातचीत के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने एक दूसरे को चूमा। अगर आपको लगता है कि ये सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी हो रही है तो फिक्र ना करें, ये एक नॉर्मल रिएक्शन ही है। बात और भी बिगड़ने लगती है। 10 मिनट तक वो शराब के नशे में एक दूसरे को किस कर रहे थे। चिलकाइल के पिता अचानक वहां आ गए। इससे पहले कि वे कुछ देख पाते वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लकीली उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उन दोनों के पास जिंदगी भर के लिए एक राज रह गया था जिसके बारे में वो कभी बात नहीं कर सकते थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पहली बार था जब चिलकाइल ने किसी को किस किया था। इस रेडिट यूजर के थेरेपिस्ट के लिए इस केस को टैकल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। होल में मेंढक। हमारा अगला यूजर जिसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, उसने ये एक्सेप्ट किया था कि जब उसने अपने थेरेपिस्ट को इस कहानी के बारे में बताया तो वो हंस पड़े। अगर ये सुनकर भी आपकी उम्मीद का लेवल नहीं बढ़ा तो मैं जानता हूँ कि ये और कैसे बढ़ेगा। एक दिन जब रेडिटर सिर्फ 13 साल का था तो वो कुछ दोस्तों के साथ किराने की दुकान पर जा रहा था। उसने फुटपाथ पर एक नन्हा मेंढक देखा। बिना किसी को बताए उसने मेंढक को उठाकर अपने साथ दुकान के अंदर ले जाने का फैसला किया। ये तो क्लियर नहीं है कि वो मेंढक को हाथ में पकड़कर थक गया था या सामान पकड़ने के लिए उसके हाथ फ्री नहीं थे। लेकिन आगे जो हुआ वो मजेदार था। वो दुकान के सैलेड बार के आसपास घूमता रहा और चुपचाप मेंढक को लेटेस्ट ट्रे के ठीक बीच में रख दिया और वहां से चला गया। राइटर नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ है। उसकी इस सनकी हरकत के कारण लेटियस की तलाश में वहां आई किसी बूढ़ी औरत को दिल का दौरा पड़ सकता था, लेकिन मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहता भाई। माँ का बदला। माँ अपने आप में एक सुपर हीरो है, लेकिन ये भी पता चला है कि वो उतनी ही आसानी से चोरी छुपे किसी से भी बदला ले सकती है। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, तो इस रेडिटर की ये थ्रो अवे कहानी आपकी सोच बदल सकती है। जब वो लगभग 5 साल की थी तो इस रेडिटर की माँ अपनी एक दोस्त से मिलने गई जिसके अपने बच्चे भी थे, एक छोटी लड़की जो उन बच्चों में से एक थी। उसका बेडरूम ऐसा था जिसका सपना सभी छोटी लड़कियां देखती थी। उस कमरे को चमकीले गुलाबी रंग में रंगा गया था। उसमें एक बड़ा कैनोपी बेड था और बहुत सारे नए खिलौने थे। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, पर उसका भाई इतना लकी नहीं था। उसका कमरा खाली था और उसमें सिर्फ एक पिंजरे जैसा कॉट था जिसमें उसे रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इस रूखे व्यवहार ने राइटर की माँ को परेशान कर दिया। उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक घटिया प्लान बनाया। एक दिन जब वो दोनों पार्क की तरफ जा रहे थे, उसने एक बैग निकाला जिसमें कुछ अजीब सा भूरा और चिपचिपा लेप रखा था। ये थोड़ा सा पिघली हुई चॉकलेट की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी बदबू कुछ और ही बता रही थी। इससे पहले कि वो अपनी माँ से पूछ पाती कि वो क्या कर रही है, वो एक कार पार्किंग की तरफ बढ़ी जा रही थी जहाँ उसकी दोस्त की कार खड़ी थी। वो बिना कुछ कहे कार से बाहर निकली और पूरे विंडशील्ड पर बदबूदार चिपचिपी भूरे रंग की उस चीज को फैलाना शुरू कर दिया। जब उसने अपना घिनौना बदला ले लिया तो वो अपनी कार में वापस आ गई और वहां से निकल गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। एक ऐसी घटना को देखने के बाद जिसने उसकी माँ को एक अपराधी की तरह बना दिया या पागल कर दिया था, उस राइटर ने पूरे मामले को एक सीक्रेट रखने का फैसला किया। इसे तो भाई आप पागलपन ही कह सकते हैं। किसी को एहसास दिलाने का ये एक मजेदार तरीका है कि वो एक भयानक माँ है। लॉकर ने दिल दुखाया। इन ऑनलाइन कन्फेशन थ्रेड्स में ऐसे कई सीक्रेट सामने आए हैं जो या तो अजीब हैं या मजेदार हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर हंसने से हमें बुरा महसूस होता है, जैसे कि ये वाली रेडिट एंट्री। ये अकाउंट अब डिलीट हो चुका है। अब ये यूजर 7th क्लास में पढ़ता था, तब उसके एक क्लासमेट का लॉकर खराब हो गया था। इस बच्चे का लॉकर किसी भी लॉक नंबर का कॉम्बिनेशन डालने पर हमेशा खुल जाया करता था।
अब ये क्लियर नहीं है कि यूजर ने अपने इस अगले कदम को उठाने का फैसला क्यों किया। उसने इंस्पेक्शन से ठीक पहले उस खराब लॉकर को खोलकर शराब की कुछ छोटी बोतलें उसमें रख दी। शायद उसे लगा कि अगर दूसरे बच्चों को एक महीने जेल में रखा जाए तो ये मजेदार होगा, या शायद ये स्कूल के ग्राउंड में हुई किसी लड़ाई का बदला लेने के लिए किया गया था। वजह जो भी हो, स्कूल अथॉरिटीज को जब शराब की भनक लगी तो फंसाए गए स्टूडेंट को स्कूल से तुरंत निकाल दिया गया। राइटर की गलती होने के बावजूद उसने इसे कबूल करने की हिम्मत कभी नहीं दिखाई। फंसाए गए बच्चे को बेसिक एजुकेशन लेने के लिए एक करेक्शन स्कूल में जाने के लिए मजबूर किया गया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राइटर ने इस अपने कन्फेक्शन को ऑनलाइन ही रखा, एक ऐसी शरारत करने के बाद जो किसी दूसरे बच्चे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती थी। मुझे जानकर हैरानी नहीं होगी कि अपने गिल्ट से निपटने के लिए ये राइटर बड़ा होने के बाद नशे की छोटी बोतलों का आदि हो गया होगा, या शायद बड़ी का भी। अगर वो बोतल को हिट कर रहा है तो आप भी उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को हिट कर दो भाई। एक भयानक हैंगओवर के बजाय आपके लिए एक बिल्कुल नया वीडियो पेश किया जाएगा जो मैं हर रोज आपके लिए लेकर आता हूँ। आप आराम से अपनी कार भी चला सकेंगे। वाह क्या कहने। तो आइए अब कुछ और बेहद मजेदार खुलासों की तरफ लौटते हैं जिन्हें छुपाकर रखा जाना चाहिए था। हॉर्नेट की दहशत। कभी कभी एक बच्चे के रूप में की गई आपकी बेवकूफियां आपके बड़े होने पर बहुत परेशान कर सकती हैं। ये कुछ ऐसा है जो रेडिट यूजर बटरबीन 6 अच्छी तरह से जानता है। इस लड़के ने 12 साल की उम्र में कबूल किया, जब वो छोटा था तब बहुत शर्मीला हुआ करता था और बचपन के शर्मीलेपन के सभी मामलों की तरह उसके परिवार ने यह फैसला किया कि उसे समर कैंप में भेजना उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वाह वो कितने गलत होने वाले थे। एक दिन कैंप की एक्टिविटीज खत्म होने के बाद उसने खुद को एक बड़े मैदान के पास अकेला भटकते हुए पाया जहाँ दूसरे बच्चे खेल रहे थे। उसे जलन हो रही थी क्योंकि वो उन्हें फ्रिस्बी फेंकते और एक दूसरे के साथ बिग स्किन्स खेलते हुए देख रहा था। तभी पास के पेड़ में किसी चीज पर अचानक उसकी नजर पड़ी। ये एक बड़ा सा हॉर्नेट का घोंसला था जो साइज में तरबूज के बराबर था। बटरबीन 6 क्यूरियस था और उसे शरारत सूझी। उसने एक पत्थर को उठाया और उसे घोंसले में फेंक दिया जिससे घोंसलों का एक हिस्सा टूट गया। जाहिर है गुस्से में हॉर्नेट्स का झुंड बाहर आने लगा और बटरबीन 6 वहां से भाग निकला। उसे एक भी डंक नहीं लगा, लेकिन दूसरे बच्चे इतने लकी नहीं थे। अचानक आए झुंड ने उनमें से दो को इतने बुरी तरीके से डंक मारा कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। भले ही उसके गिल्ट ने बटरबीन 6 की नन्ही अंतरात्मा को हिला दिया, लेकिन उसने कभी भी घोंसले को तोड़ने की बात को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अब 40 साल का हो चुका है, लेकिन वो आज भी खुद को इस बात के लिए माफ नहीं कर पाता है। उम्मीद है कि हॉर्नेट कभी ये नहीं समझ पाएगा कि इंटरनेट चैट थ्रेट्स को कैसे यूज किया जाए, नहीं तो इस आदमी के दर्द का कोई अंत नहीं होगा। असली दादा दादी। जिंदगी भर के सीक्रेट के साथ दफन होने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। रेड यूजर डॉक्टर सूस ने अपनी दादी की मौत के बाद पहली बार इस बात का पता लगाया जब राइटर का परिवार उसकी दादी के सामान को चेक कर रहा था तो उन्हें कुछ छुपे हुए डॉक्यूमेंट्स मिले जिसने उनके परिवार के इतिहास को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राइटर हमेशा से जानता था कि उनके पारिवारिक इतिहास में कुछ गड़बड़ जरूर है। डॉक्टर सूस की आंटी का जन्म 1945 में हुआ था, लेकिन उनके दादा 1942 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ते रहे थे। इसलिए जब वो 1944 में किसी दिन एक रात की मस्ती के लिए चमत्कारिक रूप से घर वापस तो बिल्कुल नहीं आए होंगे। पॉसिबल ही नहीं था कि उनकी आंटी और दादा के बीच कोई खून का रिश्ता था। डॉक्टर सूस को मिले उन डॉक्यूमेंट्स ने परिवार के शक को सच साबित कर दिया था। उन्होंने खुलासा किया कि डॉक्टर सूस के दादा से मिलने से पहले ही दादी की शादी हो चुकी थी और उनका एक बच्चा भी था। जब दादा और दादी मिले तो उन्होंने दादी के पहले बच्चे को गोद ले लिया था जो राइटर की आंटी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी जिंदा रहते हुए इसके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। जरा सोचिए, ज्यादातर लोग शायद एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी को भी सीक्रेट नहीं रख पाते, एक पूरी शादी की तो बात छोड़ ही दीजिए। ये डॉग की गलती है। अक्सर कहा जाता है कि आदमी का सबसे अच्छा दोस्त उसके किए गए खराब कामों का दोष अपने सर पर ले लेता है। एक रेडिट यूजर ने खुद के किए हुए एक गलत काम का इल्जाम उसके डॉग पर लगा दिया था। उसका रेडिट अकाउंट अब डिलीट हो चुका है। जब ये यूजर कॉलेज के अपने नए साल में था तो शुक्रवार की एक शाम वीकेंड में अपने पेरेंट्स के पास पहुंचने से पहले उसने जमकर पार्टी की और शराब पी। उसका सिर भारी था और पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। उसने कपड़े बदले और फैमिली लिविंग रूम में जाकर टीवी देखने का फैसला किया। वो फर्श पर आगे पीछे हिलने लगा और खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक एक आवाज आई। ये पाद नहीं था जिसे वो रोके हुए था। एक बुरी बदबू के बजाय कारपेट पर एक बड़ा और भूरे रंग का कुछ बिखरा हुआ था।
वो अपनी बची खुची इज्जत को बचाकर रखने के लिए बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो अपने गलत काम का सामना करने के लिए लिविंग रूम में लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता अपने हाथों और घुटनों के बल जमीन पर झुके हुए थे और सब कुछ साफ कर रहे थे। राइटर ने अपनी की हुई उस गलती पर लेक्चर सुनने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन इसके बजाय उसने देखा कि उसके पिता उनके फैमिली डॉग पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बेचारे फाइडो को गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस कहानी सुनाने वाले को सच में बोलने में शर्म आ रही थी। मुझे नहीं पता कि इस कन्फेशन में कौन ज्यादा कुत्ता है, फाइडो या फ्रेशमैन। उल्टी को चबाना। इस तरह के कन्फेशनल ऑनलाइन थ्रेड्स को स्क्रॉल करते समय आप कभी कभी सच में इतना बुरा देखेंगे जिससे आपको उल्टी आ जाए। ऐसी भयानक सिचुएशन में कुछ ऐसे ही होता है। ज्यादातर लोग बाथरूम में जाते हैं या इसे वापस भी निकल लेते हैं, लेकिन एक रेडिट यूजर ने ये कन्फेस किया है कि वो इसे वापस चबाना पसंद करते हैं। सचमुच थ्रो अवे 1423344 नाम के अकाउंट के तहत इस यूजर ने अपनी खुद की इस बीमार आदत के बारे में बताया। वो रोज जानबूझकर खाने के टुकड़ों को वापस अपने मुंह में ले आता था, उसे फिर से चबाता था और निगल लेता था। ये भयंकर बॉडी फंक्शन आमतौर पर गाय जैसे जानवरों में देखने को मिलता है, जहां दोबारा चबाया खाना उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा होता है। बेशक इंसानों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना राइटर ने बताया कि जहां तक उसे याद है वो खाने को अपने मुंह में वापस ला सकता है। उसने ये भी पता लगाया है कि कौन सा खाना खाने से पेट में एसिड बनता है और उसे खाने से बचता है ताकि उसके दांतों को कोई नुकसान ना पहुंचे। सीरियसली, तो च्युइंगम खाने में क्या बुराई है भाई? मेडिकल अफरातफरी। जब आप ऑनलाइन थ्रेड्स में बहुत सारे कन्फेशंस पर खुद को हंसने से नहीं रोक पाते तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो आप चाहते होंगे कि आपने कभी ना पढ़े होते, जैसे कि हमारा अगला रेडिट यूजर मेडिकस क्वीन डेम आर्का। लगभग 10 साल पहले इस राइटर ने दावा किया था कि वो एक ऐसे सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा था जो मेडिकल स्टूडेंट्स के बिहाफ पर मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देते थे। चौंका देने वाले इस धोखाधड़ी ग्रुप ने कुछ अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स को दुनिया के कुछ बेहतरीन मेडिकल स्कूल्स में एडमिशन हासिल करने में मदद की थी। जाहिर है ये सब मुफ्त में नहीं था, उनकी फीस $1,00,000 थी और रजिस्ट्रेशन सिस्टम को चीट करने के पैसे अलग थे। इसमें फर्जी आईडी, उंगलियों के निशान और यहां तक कि प्रोस्थेटिक्स भी शामिल थे। ये मेथड्स थोड़े क्लिनिकल लगते हैं, कुछ लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेडिकस क्वीनडेम आका तो आराम की नींद सो रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ये अमीरजादे एंट्रेंस टेस्ट भी पास नहीं कर सकते तो उन मुश्किल एग्जाम्स को कैसे पार कर सकते हैं जो मेडिकल स्कूल में उन्हें देना पड़ेंगे। वो कन्विंस्ड थे कि वो सब ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब इस राइटर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो कर क्या रहा है। ये तब तक था जब उनके एक क्लाइंट ने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। मेडिकल स्कूल को चमत्कारी ढंग से पूरा करने के बाद उसने कई चौंकाने वाले काम किए और उसमें कामयाब रहा। शुक्र है कुछ ज्यादा गलत नहीं हुआ, लेकिन इस कांड ने राइटर के लिए एड्रेनालाइन के एक शॉट के बजाय उसके दिल को जगाने का काम किया। राइटर ने पैसा बनाने वाले उस क्लब को छोड़ दिया, ये महसूस करते हुए कि वो सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डाल रहे थे। ग्रुप जल्दी ही टूट गया, लेकिन उनकी क्लाइंट लिस्ट का खुलासा कभी नहीं हो पाया। और दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं अब कभी डॉक्टरों के पास जा पाऊंगा या नहीं। ब्रेकिंग मैड। ज्यादा पैसा और फैंटेसी लाइफस्टाइल जीने का और अपने सपनों को पूरा करने के लिए या उनका पीछा करने के बजाय क्यों ना सुरक्षित रहें और इस कन्फेशन को सुने। ये सीन टैक्स एंड शिपिंग कंपनी के कस्टमर सर्विस डेस्क पर सेट किया है, जहां रेडिट यूजर ग्रेव 9876543211 ने एक बार काम किया था। एक दिन एक आदमी को अंदर आते हुए देखकर राइटर ने उसे एक अवैध फार्मास्यूटिकल के लोकल डीलर के रूप में तुरंत पहचान लिया। उसने उसे एक पैकेज शिप करने के लिए दिया। इस पैकेज को अजीब तरह से डक टेप से लपेटा गया था। अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसा था जिसके बारे में डीलर नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में पता चले। राइटर ने अपना काम किया और पैकेज को पिछले हिस्से की डिलीवरी एरिया में रख दिया। कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में वो अपने आप को रोक नहीं सका और डाउटफुल दिखने वाले उस पैकेट को राइटर ने वहां से उठाकर अपने बैकपैक में रख लिया। अपने काम का टाइम खत्म होने के बाद उसने डक टेप को चीर दिया और पैकेट के अंदर पूरे $37,890 रखे थे। उसके कन्फेशन के हिसाब से यूजर ने अगले महीने पैसे लेकर टैक्सस छोड़ दिया और फिर वहां का भी नहीं लौटा। भले ही राइटर ने अवैध नशीली दवाइयों के व्यापार से पैसा लिया, पर मुझे लगता है कि पाब्लो एस्कोबार को भी उसकी इस बात पर गर्व महसूस होगा। आग लगा दी। अपने अंदर एक राज को छुपाकर रखने से ज्यादा परेशान करने वाली और कोई बात नहीं हो सकती। ये बात राइटर सोस से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो बचपन से एक भयानक राज को छुपा रहा था। उसे लगा कि वो ऑनलाइन थ्रेड के जरिए अपने इस गिल्ट को शेयर करके उससे दूर हो सकता है। जब वो सिर्फ 9 साल का था, तब सोस को अपने पिता के ट्रक के अंदर माचिस की एक डिब्बी मिली।
सोस किसी भी दूसरे किसी शरारती बच्चे की तरह ये देखना चाहता था कि क्या वो भी एक तीली जला सकता है। वो बाहर निकला और पास के खेत में चला गया जो बहुत ही सूखे गेहूं की फसल से भरा हुआ था और जल्दी ही आग पकड़ सकता था। सोस्क ने सोचा कि माचिस जलाने की कोशिश करने के लिए यही ठीक जगह। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से एक तीली को जला दिया। ऐसा करने में उसका हाथ जल गया और उसने लापरवाही से उस तीली को वहीं फेंक दिया। उसके आसपास के सभी गेहूं में आग लगने में बस कुछ ही सेकंड लगे, जैसे भूसे के ढेर में एक चिंगारी लगी। आग के लपटे तेजी से फैलने लगी और फसल को तबाह कर दिया। सोस्क वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन आग ने 10 एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया था। जब फायर डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, तो सबका ध्यान सोस की तरफ गया। भले ही उसकी बेवकूफी भरी हरकत थी जिससे ये आग लगी थी, लेकिन वो झूठ बोलने में काफी होशियार था। उसने पड़ोस के एक दोस्त की तरफ उंगली उठाई। क्या मैंने दोस्त कहा? सॉरी, मेरा मतलब था बलि का बकरा। वो लड़का एक शरारती बच्चा था और अधिकारियों को ये मानने में जरा देर नहीं लगी कि ये काम उसी का है। सोस के जानबूझकर आग लगाने और उसकी बेशर्मी के कारण उस लड़के को वहां से भेज दिया गया और सोस ने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। ये एक बोल्ड कन्फेशन हो सकता है, लेकिन इसे इतने लंबे समय तक सीक्रेट रखने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए भाई। कचरे के कंटेनर से हुआ नुकसान। क्या आपने कभी किसी कार को मूर्खतापूर्ण तरीके से किसी ऐसी जगह पार्क करते हुए देखा है जहां उसे नहीं होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि उसके इस कर्म की सजा उसे मिले? अगर आपका जवाब हाँ है, तो उसको उस छोटे से एक्सीडेंट के बारे में सुनकर मजा आएगा जो राइटर क्विडिटी 99 के साथ 5 साल पहले हुआ था। एक क्वीनियन स्टोर में अपनी शिफ्ट के दौरान क्विडिटी 99 को स्टोर के बड़े डंपर्स में से एक को उसके जगह पर ले जाने का काम सौंपा गया था। ये अलग अलग तरह के कचरे से ऊपर तक भरा एक बड़ा मेटल कंटेनर था। शुक्र है इसमें पहिए थे, लेकिन क्विडिटी 99 को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इसे अपनी जगह पर ले जाना था। उसने डंपस्टर एरिया की तरफ जाने वाले एक छोटे स्लोप पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण वो बड़ा मेटल का कंटेनर लुढ़क गया और उसने अचानक से स्पीड पकड़ ली। ये कम बुरा नहीं था कि अचानक उसने एक महंगी कार को उसी जगह पर खड़ा देखा जहां उस डंपस्टर को रखने की जगह थी। उसने डंपस्टर की स्पीड को धीरे करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। क्विडिटी 99 ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने खुद को कार और डंपस्टर के बीच धकेल दिया, लेकिन वो बहुत ही भारी था। मदद करने के लिए आसपास कोई भी नहीं होने के कारण वो रास्ते से हट गया। सैकड़ों पाउंड मेटल और कचरे के भार ने कार के दरवाजे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। ये देखते हुए कि डंपस्टर वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, क्विडिटी 99 जल्दी से काम पर लौट आया और ये दिखावा करने की कोशिश करने लगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। अपने सीक्रेट को शेयर करने वाले राइटर ने खुद को बहुत ही बुरा महसूस किया। मुझे लगता है कि सारा दोष गलत जगह पर कार पार्क करने वाले उस बेवकूफ आदमी का है। क्या आप मानते हैं कि उसे वही मिला जो वो डिजर्व करता था? जलती हुई दोस्ती। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए किस हद तक जाएंगे? क्या आप उनके लिए कुछ भी करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप और द बैंड 65 एक ही लेवल पर हो सकते हैं। इस रेडिट यूजर ने दावा किया कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के पास एक रेस्टोरेंट था जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। द बैंड 65 को पता चला कि उसके पागल चाचा ने उसके दोस्त के रेस्टोरेंट में अपने एक दुश्मन को मारने की साजिश रची है। चाचा के दुश्मन ने रेस्टोरेंट में खुद को सुरक्षित महसूस किया और अपने बॉडीगार्ड को वहां से हटा दिया। ये गॉडफादर फिल्म से ली गई किसी साजिश की तरह लगता है। द बैंड 65 ने अपने चाचा को ऐसा न करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, या कम से कम रेस्टोरेंट में तो नहीं। लेकिन जब चाचा ने अपने प्लान नहीं बदला, तो द बैंड 65 ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और अपने दोस्त के रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को बचाने का फैसला किया। वो पुलिस के पास नहीं गया, ये तो बहुत ही आसान होता। उसने उस रेस्टोरेंट को आग लगा दी, ये सोचकर कि उसके सबसे अच्छे दोस्त का इंश्योरेंस का पैसा उसे मिल जाएगा और फिर वो अपना नया रेस्टोरेंट शुरू कर सकेगा। उसने उस चीज को खत्म कर दिया जिसे बनाने में उसके दोस्त ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी। राइटर ने एक्सेप्ट किया कि इस मामले को लेकर उसके दोस्त ने उससे बात भी की थी। उसने इस गलत काम में उसके शामिल होने से इनकार कर दिया और ये राज रेस्टोरेंट में ही राख में दब गया। यहाँ एक सबक सीखा जा सकता है। अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका बिल्डिंग्स को जलाना है, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप अपना समय किसके साथ बिता रहे हैं। हैमस्टर एयरलाइंस। बच्चे होने पर कोई बेवकूफी भरी गलतियां करता है क्या? लेकिन राइटर इन्फेक्टेड लेग 253 जैसे एडल्ट होने तक एक गलती को छुपाकर रखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, या फिर आप थोड़े से मेंटल हो, या फिर दोनों। जब वो लगभग 8 साल का था, तब इन्फेक्टेड लेग एक दोस्त के घर पर उसके पालतू हैमस्टर के साथ खेल रहा था। उसका दोस्त जब टॉयलेट में गया, तो इन्फेक्टेड लेग ने सोचा कि हैमस्टर को उसकी जिंदगी की एक यादगार उड़ान पर ले जाने में मजा आएगा। इन्फेक्टेड लेग ने हैमस्टर को पकड़ लिया और उसे कचरे के चारों ओर तेजी से घुमाया जितना वो चाहता था,
उससे कहीं ज्यादा कस के उसको पकड़ लिया। बहुत तेजी से उसे घुमाने के कारण शायद झटके से, स्ट्रेस से या तेज घूमने के डर से हैमस्टर उसके हाथों में मर गया। घबराते हुए उसने हैमस्टर को उसके पानी की कटोरी में फेंक दिया और दोस्त से कहा कि शायद वो गलती से डूब गया होगा। दोस्त को कभी पता नहीं चला और इन्फेक्टेड लेग इस बात को लेकर कभी परेशान भी नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ करने के बाद राइटर को उस हैमस्टर का भूत हर साल मिलने जरूर आता होगा। डबल डिजिट्स। जब प्यार पाने की बात आती है तो हम सभी के कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं। कुछ लोगों को अच्छी स्माइल या खूबसूरत आंखें पसंद होती हैं, लेकिन हर किसी की फिजिकल प्रेफरेंस एक जैसी नहीं होती। ये आप रेडिट यूजर यू कैन थ्रो योर ऑन वे से पूछिए। यू कैन थ्रो योर ऑन वे ने क्लियर कर दिया था कि वो गोरे और काले की बहस में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो असल में पॉलीडक्टली वाली लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। जो लोग साइंस को नहीं समझते, मैं उन्हें बता दूं कि ये एक ऐसी स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें लोग अपने हाथों या पैरों पर एक्स्ट्रा उंगलियों के साथ पैदा होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनके प्रेफरेंस शेयर कर रहा हूं। हाँ, इस तरह के अट्रैक्शन के दूसरे प्रैक्टिकल फायदे जरूर हैं। कम से कम पीठ की मालिश शानदार होती होगी। गमले की गड़बड़ी। कभी कभी जब निहचर्स कॉल आता है तो जवाब देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। एक रेड यूजर जिसका अकाउंट डिलीट हो चुका है इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि उसका कन्फेशन इतना बदबूदार है कि आपको शायद सहारे की जरूरत पड़ सकती है। राइटर ने बताया कि उसने एक बार एक लैंडस्केपिंग कंपनी के लिए काम किया जहां उसने फूल लगाए और बगीचों की देखभाल की। लेकिन एक दिन एक क्लाइंट के बगीचे में काम करते हुए उसे अर्जेंटली नंबर 2 जाने की जरूरत महसूस हुई। उसे रोक नहीं पा रहा था और बाथरूम यूज करने के लिए उसे पूछने में बहुत शर्म आ रही थी। उसने इस काम के लिए एक फ्लावर पॉट को यूज किया। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था और ये काम फ्लावर पॉट में ही कर दिया। 5 मिनट तक उस पर बैठने के बाद इस हीरो को एहसास हुआ कि उसे सबूत छुपाने की जरूरत है, इसलिए उसने एक गड्ढा खोदा और गमले को क्लाइंट के बीच में गाड़ दिया, ये मानते हुए कि बाकी का काम नेचर संभाल लेगा। लेकिन काम खत्म होते ही उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो जिंदगी भर उसे परेशान करता रहेगा। जिस फैमिली के गार्डन में वो काम कर रहा था वो सब बालकनी में खड़े थे, उनके मुंह खुले थे और उन्होंने वो सब कुछ होते हुए देख लिया था। जैसे ही उसे मामले की सीरियसनेस समझ आई, वो बदमाश थोड़ा हल्का महसूस करता हुआ शर्म के मारे वहां से भाग गया। उसने नौकरी छोड़ दी लेकिन अपने बॉस को इसका असली कारण कभी नहीं बताया, जो हम समझ ही सकते। और इसे मेरे दोस्तों राज को दफनाना नहीं कहते। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से क्रेजी कन्फेशंस को एक सीक्रेट ही बना रहना चाहिए था, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपके पास अपना कोई अनोनिमस कन्फेशन है जो आपको लगता है कि इन जोकरों को टक्कर दे सकता है तो हमें secrets@bms.com पर संपर्क करें। देखने के लिए शुक्रिया।